4-5 हज़ार साल पहले जब ग्रीस था और वहां के लोग ग्रीक भाषा नहीं बोलते थे, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसे लोग होते थे जो ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे, उनके संदेश को, उनके प्यार को, उनके निर्देश को। ऐसे लोगों को हर्मेन्यूटिक्स कहा जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये शब्द दोबारा आया, जब बिल्कुल आधुनिक ढंग से आया और अंग्रेजी साहित्य में आया, अंग्रेजी साहित्य की आलोचना में आया और उसको एक नया अर्थ दिया गया। हर्मेन्यूटिक्स का अब मतलब ये हो गया है कि ऐसी दृष्टि जिससे हम अपनी किसी भी प्राचीन टेक्स्ट को, प्राचीन पाठ्य को हम लोग नए ढंग से देखते हैं और नए अर्थ निकालते हैं, जो उस समय के समाज, उस समय के देशकाल के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर्मेन्यूटिक एक ऐसी दृष्टि है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच में एक परस्पर संवाद या संप्रेषण की भूमिका में आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक दृष्टि है, हर्मेन्यूटिक दृष्टि। दूसरी बात है कॉन्शियसनेस। चले आगे, नेक्स्ट। Destruct, artist has to make catastrophe, artist has to end his entire thought past creative things in order to create the new one. Silo salo, kacha dhaga, race lagalo. Aao milo silo salo, kacha dhaga, race lagalo. Das patte tole, ek patta kacha, kiran ka bacha, kiran gaya pani ki. So, the aesthetic rapture of the thing which is within the text is actually rasa. Emotion has its all-inclusive nature, that is, having the tendency to include all. Since its chief constituent is Shringar, it is named as Shringar, though it consists of all other emotions such as fear, anger and wonder. ठीक, स्पष्ट है? ये हम जो व्याख्यान देंगे विष्णु कवि उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। All other emotions beautify the chief constituent from within. If the character represents this particular Shringar, for example, मालविका इन मालविका अग्निमित्रम और मारिया इन क्रॉस पर्पस बाय अल्डर का। तो ये क्यों हो जाती होगी? एक स्त्री की रक्षा राज्य की रक्षा होती है, एक स्त्री की मर्यादा राज्य की मर्यादा होती है, एक स्त्री की गरिमा राज्य की गरिमा होती है। मेरे ये झूठ बोलने से कि महारानी वासा दत्ता और महामंत्री योगन नारायण आग में जल के मर गए, राज्य की कौन सी गरिमा मर जाएगी? एक स्त्री जल के मर जाएगी और उससे राज्य की आभा मर जाएगी? क्षमा करें मिस्टर योगन नारायण, मुझसे नहीं होगा। सर, आई एम अ स्टूडेंट। नो, सॉरी सर, I want to become your student. अभिनय के चार अंग में पहला सात्विक है, छठा और सातवां अध्याय ये सात्विक अभिनय है। फिर हम किसी अजनबी को पहचानते हैं, रिलेट होते हैं आंगिक और वाचिक से।
उससे बात करने के लिए मुख असमर्थ है, उससे बात करने के लिए घाव की जरूरत होती है। जो प्रेम में मिला
गौतम सर, हम लोगों ने अभिनय के प्रथम अंग सात्विक अभिनय को जाना और सीखा। इस तरह नाट्य वेद के छठे और सातवें अध्याय को हमने पढ़ा। अब हम दूसरे अंग को पढ़ रहे यानी आंगिक अभिनय। यहाँ से हम प्रवेश कर चुके हैं अध्याय आठ में। इस दूसरे अभिनय अंग को हम अध्याय 14 तक पढ़ेंगे। सर, हमने पढ़ा है कि संस्कृत में अभिनय शब्द ऋण धातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना। अभी उपसर्ग और अच प्रत्यय से आशय है की ओर। इस अभिनय शब्द का निरुक्तिगत अर्थ हुआ प्रयोग को इसके मुख्य प्रयोजन की ओर ले जाना, यानी पाठ्य को दर्शक की ओर ले जाना। मुख्य प्रयोजन है रस या प्रभाव। इसे अभिनेता अंग, उपांग और शाखा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। पाठ्य और अभिनय के विभिन्न अर्थों को भी वह अंगाभिनय के जरिए पेश करता है। अंगाभिनय तीन प्रकार के बताया गया है नाट्यशास्त्र में: शरीर, मुखज और चेष्टाकृत। यही शाखा अंग और उपांग है। ऐसा नाट्य छह प्रकार के अंग, प्रत्यंग और उपांग से युक्त होता है: मस्तक, हस्त, वक्षस्थल, कटी प्रदेश, कोक और पैर, अर्थात मुख, हाथ, वक्ष, पेट, कमर और पैर। यदि इसमें अंगहार और करण जुड़ गया तो यही नृत्य है। गौतम सर, आप एक बार बता रहे थे कि संस्कृत शब्द करण का अर्थ है टू परफॉर्म, और परफॉर्म का मतलब है टू कैरी, टू डू, टू एक्ट, यानी ग्रीक रूट और संस्कृत रूट में मीनिंग सेम है। तो सर, जितने भी शब्द आंगिक अभिनय के लिए इस अध्याय में बताए गए हैं, जैसे अंग, प्रत्यंग, उपांग, इनके शाब्दिक अर्थ से तो हम परिचित हैं और हम इनके प्रयोग भी जानते हैं, लेकिन भाव, अभिव्यक्ति और संप्रेषण के लिए हम इसे आधुनिक ढंग से समझना चाहते हैं आज। दिव्या, क्या तुम ये कह रही हैं कि एक्टिंग के टेक्निकल टर्म से तो हम परिचित हैं, भले ही वे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन हैं, जिन्हें हम व्यवहार में नहीं बोलते, बस उनका मॉडर्न और व्यवहारिक प्रयोग समझना है कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में। यानी एक्टर अपनी देह के एक एक अंग और प्रत्यंग का प्रयोग कैसे करे एक डांसर की तरह। बिल्कुल, तभी तो वो अंगाभिनय होगा। हम आंगिक अभिनय सीख रहे और ये देख रहे कि एक्टिंग मेथड तीन किस तरह आज के बॉडी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज से भिन्न है। गौतम सर, इसे समझना हम सबके लिए, विशेषकर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुझे स्टैनिस्लावस की ब्रेस्ट और मेयर होल्ड के एक्टिंग मेथड तो सिखाए और कराए गए हैं कि बॉडी मूवमेंट कैसे करना है, अपनी स्टेज ब्लॉकिंग का कैसे ध्यान रखना है, और स्टेज करते समय मेरी बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के अनुसार कैसा हो। लेकिन क्या भरत मुनि ने कुछ और बताया है? यदि हाँ तो मुझे वो सीखना है। किताब पढ़कर समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि सूची या सूच्य का मतलब है सूचना देना और अंकुर का मतलब है अंग की प्रतिष्ठा का आरंभ। मुझे भी एक एक अंग प्रत्यंग का प्रयोग सीखना है कि करते कैसे हैं, क्यों करते हैं और उन अंगों से क्या कन्वे करते हैं। दिव्या, तुम भाव और अभिव्यक्ति के साथ संप्रेषण भी क्यों जोड़ रही थी? फीलिंग और एक्सप्रेशन बस हो तो गया, इमोशन या फीलिंग को ही तो कन्वे करना है एक्सप्रेशन से, फिर तुम एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेशन भी क्यों जोड़ रही थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन इज नॉट कम्युनिकेशन,
गौतम सर कहते हैं ना कि आप एक्सप्रेस कर रहे का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप कम्युनिकेट भी कर रहे, या हमारा एक्सप्रेशन दर्शक को कुछ कम्युनिकेट भी कर रहा। क्यों? एक्सप्रेशन ही तो कम्युनिकेशन करता है ना। नहीं, इस धरती पर सब कुछ अपने को एक्सप्रेस कर रहा, वृक्ष भी, मछली भी, जिराफ भी और मौसम भी, लेकिन क्या हम उनकी भाषा समझते हैं? नहीं समझते, इसलिए वे एक्सप्रेस करते हैं लेकिन हम तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता। घर में सभी सुपरिचित भाषा में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, समाज में भी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बना ही रहता है। हम किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं, दर्जनों पेंटिंग्स टंगी रहती हैं, कहीं हम ठहर कर देर तक रुकते हैं, देखते हैं तो कुछ पेंटिंग्स को सरसरी तौर पर देख कर आगे बढ़ जाते हैं या ठहरते ही नहीं। कलाकार ने अपनी सभी कृतियों में खुद को व्यक्त किया है, लेकिन आप ठहरते वही हैं जहां कम्युनिकेशन हुआ हो। यानी अर्थ हुआ कि कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन प्लस समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? वही आर्ट है। इस पूरे प्रसंग को कल शाम गौतम सर ने मुझे और श्रद्धा को स्वप्न वासव दत्ता का एक दृश्य दिखाते हुए बिल्कुल स्पष्ट ढंग से समझा दिया कि आंगिक अभिनय नाट्यवेद के अनुसार क्या है। हम सभी ने सर की इस प्रस्तुति को देखा है। महाकवि भास की इस अद्भुत रचना को देखना एक कलाकार का पवित्र होना है। गौतम सर संकेत कर रहे कि कल मैंने जो समझा वो आप सबके सामने रखूं ताकि बात मेरे लिए और क्लियर हो जाए, और सर ये भी देख सके कि जो उन्होंने मुझे समझाया और जो मैंने समझा उसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं। अनुराग, तुम्हारे दोबारा कहने से मुझे भी और क्लियर हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ जानना चाहूंगी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से सर ने शुरू किया था। पहली बात ये कि रंगमंच पर चल फिर कर, उठ बैठ कर या ठहर कर इमोशन में डायलॉग बोलना आंगिक अभिनय नहीं है, नहीं डायरेक्टर की ब्लॉकिंग के मुताबिक बॉडी मूवमेंट आंगिकी है। भरत मुनि बिल्कुल अलग बात कह रहे, जो कम से कम 100 सालों से कहीं प्रयोग में है ही नहीं। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात ये कि भरत मुनि भाव के बारे में बताते हैं कि ये 49 भाव क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है, किस रस में किस भाव का प्रयोग है, लेकिन वे अभिनेता को भाव पर कोई काम करने को कहते ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इमोशन, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन पर सोचना ही नहीं है कि फील करो, एक्सप्रेस करो और कम्युनिकेट करो। ये बातें नाट्यवेद के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। नाट्यवेद अभिनय की गहरी बात को सरल ढंग से रख देता है। देखिए, नाट्य प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है रस या प्रभाव की प्रतिष्ठा, यानी नाटक के मुख्यार्थ को दर्शक के जेहन में अंकित करना, एक अमिट छाप छोड़ना। इस रस की प्रतिष्ठा के लिए जो रस सूत्र हैं उसमें भाव है ही नहीं, उसका यानी इमोशन या सेंटिमेंट का इस प्रमुख सूत्र या इस फॉर्मूला में कोई जिक्र तक नहीं, और हमने कभी सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। रस सूत्र में है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके संयोग से बनेगा रस या स्थायी भाव, क्योंकि 8 स्थायी भाव ही हैं 8 रस। यानी हमें, यानी अभिनेता को जरूरत है सिर्फ विभाव की, अनुभाव की और 33 संचारी भावों की। और सबसे पहले जरूरत है विभाव की, क्योंकि 8 सात्विक भाव जब व्यक्त होंगे तो वे अनुभाव होंगे और साथ देंगे संचारी भाव। लेकिन मुख्य भाव पर काम कैसे करें कि ये 8 संचारी भाव या अनुभाव प्रकट हों देह पर? जैसे स्वेद या पसीना आना डर से, लेकिन डर होगा तब तो पसीना आएगा, डर ही तो मुख्य भाव है, और यही भाव या रस दर्शक तक जाना है, और डर का वही भाव अभिनेता के साथ उसी पल दर्शक में भी उतनी ही इंटेंसिटी और उसी लेवल पर हो जाना है। अभिनेता इस मुख्य भाव पर काम कैसे करे? और हमें बताया जाता है कि हम इस इमोशन को फील करें और एक्सप्रेस करें। भरत मुनि इसकी बात ही नहीं करते, वे कहते हैं रस सूत्र के मुताबिक भाव पर नहीं, विभाव पर ध्यान दीजिए। विभाव यानी भाव का कारण, जिससे भाव प्रकट होता है।
इस पर हम थोड़ी देर पहले काफी बात कर चुके हैं। मान लीजिए मंच पर एक महिला दौड़कर परेशानी में दर्शकों से आकर कहती है कि कुछ लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया है, दे नहीं रहे, आप हमारी मदद कीजिए। गिड़गिड़ाते हुए वो अपने लेफ्ट विंग की ओर इशारा भी कर रही है कि वे लोग वहीं खड़े हैं बच्चे को गोद में लिए। दर्शक नेपथ्य में हंसने की आवाज़ भी सुन रहे हैं। इस बीच लेफ्ट विंग के अदृश्य लोग उस महिला के साथ खेलने लगते हैं। महिला गिड़गिड़ाती है और वे उस एक साल के शिशु को दूसरे राइट विंग की ओर उछाल देते हैं। वहां आग की एक भट्टी है। आग में गिरे बच्चे की चीख के साथ महिला भी चीख कर उधर दौड़ती है, लेकिन राइट विंग यानी नेपथ्य से कुछ लोग प्रकट होकर उसके लिए अवरोध बना देते हैं। वो छटपटाकर अवरोध तोड़कर बच्चे तक जाना चाहती है, जा नहीं पाती, अंधेरा हो जाता है। आग की लपट और आँच में उसका चेहरा भी गुम होता हुआ है। उसकी चीख उस अंधेरे में पूरे हॉल का आर्तनाद बन चुका है। अब आप बताइए कि उस महिला के किरदार को कर रही कलाकार को ब्लॉकिंग, डायरेक्शन, डायलॉग और बॉडी मूवमेंट चाहिए, फीलिंग और एक्सप्रेशन चाहिए, या ये सब अपने आप होता चला जाएगा जब उसका ध्यान विभाव पर यानी बच्चे पर होगा। उसका सारा दुख और डर दर्शक का भी उसी समय उसी के साथ हो चुका रहेगा कि नहीं? तो आचार्य भरत भाव पर नहीं, अभिनेता को विभाव पर काम करने को कहते हैं। विभाव का मतलब है भाव का कारण यानी कल्पना, नाट्य लेखक की, कवि की या फिर अभिनेता की अपनी, यानी एक्सप्रेशन से पहले इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही एक्सप्रेशन है, इमेजिनेशन ही विभाव है, इमेजिनेशन ही इम्प्रोवाइजेशन है। यानी विभाव एक्शन है और एक्शन का रिएक्शन, एक्शन है दर्शक के लिए, यही एक्टिंग है, इसे ही हम इनएक्टमेंट कहते हैं आज। यानी जो हम करते हैं वो करना ही नहीं है, एक्टिंग के नाम पर हम मूर्खता क्यों करते आ रहे हैं इतने सालों से? नाट्य शास्त्र यानी अपना ही शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते भी हैं तो समझते क्यों नहीं? और पढ़कर सिर्फ संस्कृत में लिखे नाटक को संस्कृत में करते हैं, और ध्वज, ध्रुवा और नांदी पाठ को संस्कृत नाटक का मंचन मानकर गर्व में रहते हैं, जबकि नाट्यवेद तरीका है, मेथोडोलॉजी है दुनिया के किसी भी नाटक को करने का, किसी भी भाषा में लिखा हो, कोई भी नाटक हो, सीगल हो या चौक सर्कल, थ्री पेनी ओपेरा हो या क्रॉस पर्पस, किंगलियर हो या उरुभंगम, मध्यम व्यायोग हो या इडिपस, शकुंतला हो या मिस जूली, या फिर ड्रीम प्ले। यानी एक्टिंग मेथड 3 ये हुआ कि विभाव पर काम करो, भाव और प्रभाव अपने आप पक्का। एक्टिंग यानी रिएक्शन एक्शन पर, यही भावानुकीर्तन है, यही नाट्य है। यानी अभिनेता यदि भाव का अनुकीर्तन कर रहा ऐसे, तो यही नाट्य हुआ। तो फिर उसे न स्क्रिप्ट की जरूरत है न डायरेक्टर की। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टर तो कतई नहीं। भरत युग से भारतेंदु युग तक इस अर्थ में डायरेक्टर का कोई विचार ही नहीं था। आधुनिक भारत में भी बंगला और मराठी में लोग अभिनेता के कारण नाटक देखने जाते रहे हैं, निर्देशक के कारण नहीं। ये तो 70 साल पहले विदेश से, वो भी फिल्म से, डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हिंदी थिएटर में आया और 2 बड़े नुकसान पूरे देश में कर गया। अभिनेता की पहचान खत्म हो गई और मौलिक नाट्य लेखन का अंत हो गया। अपने नाट्य वेद को न जानने की त्रासदी, अज्ञानता, दुर्भाग्य। रामायण और महाभारत के देश में 1000 साल की गुलामी के बाद हम अपने ही देश को उसकी मौलिकता में पकड़कर नहीं रख पा रहे। आप गौर करिए, बच्चे के लिए छटपटाती वो माँ जो कुछ भी उस दृश्य में कर रही, वही आगे का बिना है। यदि देखा जाए तो एक्टर के लिए ये कैंसिलेशन ऑफ माइंड है। बिल्कुल, उसे माइंड या सोचने का इस्तेमाल नहीं करना, उसे कल्पना करनी है। कल्पना करना ही तो सोचना है। नहीं नहीं, इस एक्टिंग मेथड पर हम अभी तक काम क्यों नहीं किए या कैसे करें, ये सोचना है। और तुम्हारे दोनों कान फूलदान बन गए हैं, ये कल्पना है। क्यों ना हम अभी ही इस एक्टिंग मेथड 3 का प्रयोग कर लें? बिल्कुल, पुरानी आदत भी जानी शुरू होगी। पुरानी आदत यानी खराब और मजबूत बन चुकी आदत।
जिसे अब हम अच्छी आदत से रिप्लेस करने जा रहे, हालांकि मुश्किल लग रहा। क्या ये एक्टिंग मेथड? नहीं, इस मजबूत आदत की विदाई। जाते जाते जाएगी, बनत बनत बन जाए। गौतम सर ने शुरू में ही कहा था कि नाट्य वेद की हर कारिका के पीछे एक छुपा हुआ भाव है, गुप्त भेद है, रहस्य है। उसे ढूंढने, देखने और पकड़ने की जरूरत है। जो इसे बूझे वही इस वेद को ग्रहण और धारण करने का सुपात्र हुआ। तो फिर अनुराग सर, हम सभी अभी इस एक्टिंग मेथड की प्रैक्टिस करें, यानी एक्सप्रेशन से पहले इमेजिनेशन, यानी विभाव, यानी भावानुकीर्तन। बिल्कुल, अभी के अभी। शुभ काम में देर क्यों? Thank you.
Thank you.